हेलो। और क्या हाल है? बस ठीक है। 5 दिन हो गए सर्जरी को और कंडीशन ऐसी है, अभी भी कंडीशन ऐसी है। अच्छा, कंडीशन खराब है। ये ऐसे स्टिच लगाए हैं, छोटे छोटे 4 जगह स्टिच लगे हुए हैं। दर्द अभी भी है, मैं अभी भी है? चलता हूँ तो दर्द होता है और एक्सरसाइज करता हूँ तो दर्द होता है। रात को तो बहुत दर्द होता हो गया था, आज काफी दर्द हुआ था। एक्सरसाइज भी कंटिन्यू चल रही है। कौन कौन सी एक्सरसाइज बोली है? पांच एक्सरसाइज बोलिए, पांच ना, पांच एक्सरसाइज है, बताता हूँ। पांच एक्सरसाइज 50 होने के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ, मतलब वो है दर्द, जैसे होना कम काफी होना चाहिए वैसे दर्द हुआ नहीं है। है। मेरा पेन किलर नहीं चल रहा ना, तो इसीलिए फिर दर्द कम नहीं हुआ है। तो कोई नहीं, तो धीरे धीरे ही होगा। किसी का ज्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। अभी तो 5 दिन हुए हैं। ये पट्टी भी गर्मी पर नहीं चाहिए पेन ना अभी। इस पट्टी को निकालने के लिए मना किया ना टच करना है इसको, हाँ, नहीं तो अभी 2 हफ्ते बाद बुलाया मेरे को। इन्फेक्शन का खतरा हो जाएगा, नहीं तो ना। 2 हफ्ते बाद बुलाया है, 2 हफ्ते बाद बुलाया है, और नेक्स्ट वीक हो जाएगा 2 हफ्ता। अभी कल हो जाएगा 1 हफ्ता, उसके नेक्स्ट वीक 2 हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद फिर बुलाया है। तब तक वॉकर से चलना है और 5 एक्सरसाइज बताई डॉक्टर ने, वही एक्सरसाइज को फॉलो करना है। देखो, इन्होंने सारे सिस्टम निकाल दिए, ये भी निकाल दिया, पट्टी भी निकाल दी और ये पट्टी भी निकाल। इसको हमेशा लगा के ही चलना है, डॉक्टर ने बोला है। इसको सिर्फ सोते टाइम भी नहीं निकालना है, इसको थोड़ा बहुत बस निकाल सकते हैं एक्सरसाइज करते टाइम, नहीं तो ये पूरे टाइम पैर में ही रहेगा। क्योंकि ये पैर को सपोर्ट देगा, ताकि पैर इधर उधर ना हो, बैलेंस बना रहे पैर का, ताकि लिगामेंट एकदम फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। सही बताओ, एक्सरसाइज कौन सी बता दो। सबसे पहली एक्सरसाइज है, तो जितना फोल्ड कर सको उतना फोल्ड करना है। 5 बार काउंट करना है, 5 बार काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा, पैर ऊपर उठाना है। और 1 2 3 4 5, 5 बार करना है ना। 1 2 3 4 5। ज्यादा जोर लगाना नहीं है, जोर लगाने से लिगामेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जितना आपसे हो सके उतना ही करना है। ज्यादा ज्यादा उसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना, ये धीरे धीरे ही होगा। अभी बाकी एक्सरसाइज के लिए मुझे लगाना पड़ेगा, पैर में लगाता हूँ उसको पहनने के बाद, बिना उसके नहीं पहला लगाता ना, क्योंकि ये हिलता है ना पैर। तो स्टेजेस में हाँ, तो इसको लगा के सही रहता है। इसको या फिर गर्म पट्टी लगा लो, इसको पहनने का तो सही तरीका है ये ना, इतना, उसको और बीच में रखना है। ये इसके बीच में आना चाहिए, और जो ये चीज़ें इसके बीच में आनी चाहिए, ओके। और जब चलते ना तो टाइट होना चाहिए, टाइट होगा तभी पैर में दर्द नहीं होगा। कई बार हम लूज पहनते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है कि टाइट हो जाए, चाहे उसके बाद इसको लूज छोड़ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर स्टिच लगी हुई है, तो इसको लगा दिया, उसके बाद इसको ताकि क्या है सपोर्ट एक्सटेंड करने में इन सब में ये सही रहेगा। पहली एक्सरसाइज तो देख ली, अब दूसरी एक्सरसाइज करके बताएंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज कौन सी बोली है? अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज में क्या है कि ये जो घुटना है इसको नीचे का दबाना है, ठीक है। जैसे पहले पैर इसको आगे करना है, फिर पीछे करना है, पीछे पीछे करेंगे तो इसको नीचे नीचे का दबाना है। घुटने को हाँ, ताकि लेकिन ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, जितना हो सके उतना। फिर 5 बार काउंट करना है, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ना है, फिर 1 2 3 4 5, फिर नीचे 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसके बाद फिर लेके पैर को उठाने वाली एक्सरसाइज करना है, ये भी 5 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे। अच्छा तो ये 5 एक्सरसाइज है जिसे अब हमने 2 हफ्ते के लिए करना है। उसके बाद फिर इसके स्टिच निकल जाएंगे और वॉकर चलना है। ठीक है, ये वॉकर है, इसे चलना है 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते बाद इसको एक्सरसाइज छुड़वा देंगे मेरे से और उसके बाद कुछ नई एक्सरसाइज बताएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, वो नई एक्सरसाइज बताएंगे। फिर जैसा भी अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।